हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हम स्वागत करते हैं साल 2021 में आपका, और ईश्वर से कामना करते हैं कि जो भी परेशानियां आपको 2020 में हुई वो 21 में ना आए, और सबके लिए साल 2021 बहुत सारी खुशियां लेकर आए। वेरी वार्म वेलकम इन माय फर्स्ट क्लास इन 2021। आज हम पढ़ेंगे सफिक्स और प्रफिक्स। आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। उपसर्ग जो है वो पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय पहले लगाए जाते हैं और उपसर्ग बाद में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो हम आपको पढ़ाएंगे उपसर्ग और प्रत्यय, इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स और प्रफिक्स। प्रफिक्स को आप ऐसे याद रख सकते हैं जो पहले लगाए जाए, प्रफिक्स जो पहले लगाए जाए, प्री, है ना, प्रफिक्स जो पहले लगाए जाते हैं और सफिक्स जो बाद में लगाए जाते हैं। अगर जैसे एबल है तो एबल में मैं यू एन अन लगा के अनेबल बना सकता हूं, और ब्रिटिश है तो इसमें ई आर लगाकर ब्रिटिशर बना सकता हूं मैं। तो ये सफिक्स और प्रफिक्स होते हैं, जो पहले लगाए जाते हैं वे प्रफिक्स कहलाते हैं और जो बाद में लगाए जाते हैं वह सफिक्स कहलाते हैं। तो एबल में मैंने यू एन अन लगाया तो यू एन अन जो है वो प्रफिक्स कहलाएगा, और सफिक्स कहलाएगा। ब्रिटिश में ई आर लगाया, ब्रिटिश में ई आर लगाया बाद में लगाया तो ये सफिक्स कहलाएगा। सफिक्स बाद में लगते हैं, प्रफिक्स पहले लगते हैं। इनका ध्यान रखिएगा, छोटी सी चीज से आप सीख जाएंगे। हमने कोशिश करी कि नए साल में आपको कुछ सिखाएं। धन्यवाद।